पटेल की पंजाबी स्टाइल में शादी हो रही है, हम सब बाराती इकट्ठा हो गए हैं, आप बताओ आप शादी में चल रहे हो कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो इस शादी में बिल्कुल चल भी रही हूँ, शरीक भी हो रही हूँ। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। पटेल की पंजाबी स्टाइल में शादी भाई कैसे हो सकती है, सुनने में बड़ा आटपटा है ये। यही तो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, तभी तो ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे और देखने जाएंगे कि भाई पटेल की पंजाबी शादी कैसे हो सकती है। रचना जी आप क्या प्ले कर रहे हो इसमें, रचना का क्या कैरेक्टर है? मैं ऋषि कपूर की फैमिली मेंबर वीरदास की भाभी का रोल कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल पंजाबी भाभी है ये, और बहुत ही मतलब लाउड नहीं है, सिंपल है कैरेक्टर मेरा इसमें। पटेल की पंजाबी शादी जो है, ये फिल्म बेसिकली कैसी है? बेसिकली ये पूरी कॉमेडी फिल्म है, संजय चहल इसके राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे कॉमेडी डायलॉग्स लिखे हैं जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएंगे। और ट्रेलर आउट हो चुका है, ट्रेलर मौजूद आने वाला है, आपको आपके दोस्तों से, बॉलीवुड के मित्रों से या बाकी जानने वालों से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है सब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कॉमेडी है। ट्रेलर के जरिए ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी, कितनी उम्दा, कितनी कॉमेडी वाली फिल्म हो सकती है। जहाँ तक वीरदास की अपनी पहचान खुद ही कॉमेडी से है, ऋषि जी आज बहुत उम्दा कलाकार है, परेश जी बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है, इन कलाकारों के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था रचना जी? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऋषि कपूर जी को मैं हमेशा देखती थी कि वो किस तरह से शॉट दे रहे हैं, किस तरह से सीन रेडी कर रहे हैं और जाकर के तुरंत एक ही टेक में ओके कर देते हैं। फिर इसके अलावा परेश रावल जी, वो तो मेरे हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं, कॉमेडी में तो उनका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता है। उन्हें भी मैं देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, मैं सीखती थी सबसे। कैसे चुना हुआ आपका इस रोल के लिए, रोल आपका कैसे पहुंचा रहता है? ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे मैं एक शो कर रही थी कृष्णा बेन खाखरा वाला सोनी टीवी के लिए, उसके जो राइटर हैं संजय छेल ही थे, उन्होंने मुझे एक दिन फेसबुक पर कहा कि बेटा आई डोंट हैव योर करेक्ट नंबर, मेरी फिल्म में एक पंजाबी कैरेक्टर है, तो आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए और मेरी कास्टिंग टीम आपसे बात कर लेंगे। मैंने अपना नंबर दे दिया, मुझे दूसरे दिन फ़ोन आ गया उनकी कास्टिंग डिपार्टमेंट से, और जब मैं ऑफिस में गई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। असल जिंदगी में आप उस कैरेक्टर से कितनी अलग है जो आप लेकर एक पंजाबी लेडी का जो रोल कर रही हैं, असल में रचना घर में कैसी होती है? असल में तो मैं बिल्कुल बिल्कुल अलग हूँ, जो भी मैंने अभी तक कैरेक्टर प्ले किए या फिर इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, वैसी नहीं हूँ। मैं मस्ती करती रहती हूँ, मैं अपने में मस्त रहती हूँ, मैं इस तरह से एकदम सादगी से, सिंपल और एकदम सीधे सादे होकर के नहीं रहती हूँ। अब तक आपके सफर के बारे में जरा बताइए, आपने कहा कि आप टीवी शोज किए, आपने अब आप मूवी कर रहे हो, कब कैसे सफर शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है तक? जी मेरा जो सफर है, इस्कॉन के भक्ति कला क्षेत्र नाम के थिएटर ग्रुप से शुरू हुआ। इस्कॉन का अपना एक रंगमंच है, उनका अपना एक थिएटर ग्रुप है भक्ति कला क्षेत्र, बस उसी से मैंने शुरुआत की। उसके बाद मुझे कुछ सीरियल्स मिले और सीरियल के थ्रू ये फिल्म मिल गई। फिल्म रिलीज के पे है, आप बताना चाहोगे कब फिल्म रिलीज हो रही है, ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? जी 15 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैं ऑडियंस से ये कहूँगी कि इस फिल्म को जाकर ज़रूर देखें, ऋषि जी उन्हें एक अलग अंदाज में नज़र आएंगे, और दो दिग्गज ऋषि जी और परेश जी जब कॉमेडी करेंगे तो फिर उसका एक अपना ही अलग मज़ा होगा। तो ऑडियंस से मैं यही कहूँगी कि ये फिल्म ज़रूर ज़रूर और ज़रूर देखें। पत्रकारों में भी छवि है कि ऋषि तो थोड़े से गुस्से वाले हैं, आपने कैसा पाया उन्हें फिल्म में शूट के दौरान? ऋषि जी मुझे तो गुस्से वाले नहीं लगे, हाँ इतना ज़रूर है कि वो अपने में मस्त रहते हैं, अपने काम में पूरी तरह से ध्यान देते हैं, उनका एक मतलब एक अलग ही दुनिया है, अपने में मस्त रहना। वो मुझे गुस्से वाले तो कभी वो नज़र नहीं आए, हमेशा अच्छे से बात करते थे, यहाँ तक कि कुछ एक कलाकारों के साथ में शेयर करके थेपला भी खाते थे। वीरदास की जो अपनी इमेज है, असल में उसने कुछ डबल फिल्म फिल्में की है और पिछले कुछ एडल्ट कॉमेडी फिल्में की है, अब उस इमेज से क्या वीरदास इस फिल्म में बाहर आएंगे या फिल्म ये भी फिल्म उसी जॉनर की होगी? नहीं नहीं, ये फिल्म बिल्कुल अलग रहेगी। आप जब इसे देखेंगे, ऑडियंस जब इसे देखेंगी तो उन लोगों को ये बिल्कुल अलग ही लगेगी, ये किसी तरह का कुछ कॉपी या सेम ट्रैक वाला कुछ मूवी नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो ऑडियंस पैसे खर्च करके देखने जाती है फिल्म, वो आपकी फिल्म देखने क्यों जाए रचना जी? फिल्म देखने इसलिए जाए, वो सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि ऋषि जी और परेश जी दोनों मिलकर कॉमेडी करेंगे, दूसरी बात ऋषि जी बिल्कुल एक अलग अंदाज में नजर आएंगे, और पंजाबी लोग तो होते ही एकदम लाउड हैं, और वो अगर कॉमेडी करे तो एकदम सुपर हो जाती है, तो ऑडियंस को ये सब देख करके बहुत मजा आने वाला है।